गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 16 जुलाई, शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम कर रहे हैं सेशन बिल्कुल नया शेयर एकेडमी के उन सभी व्यूअर्स के लिए जो सीख रहे हैं लर्न टू अर्न सीरीज के बाद फंडामेंटल एनालिसिस। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स। अगर ये वीडियोज़ आपको या तो पसंद आ रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आपका नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आपका पोर्टफोलियो बनाने में। साथ ही अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, शर्त सिर्फ एक है कि शेयर एकेडमी का और इसके टेलीग्राम ग्रुप का मकसद शेयर्स को थॉरली एनालाइज करना है फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में खरीद की राय देना, जिनमें मिनिमम पोजिशंस निफ्टी के मूवमेंट को देखते हुए वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो फॉर्म करने के लिए है। सो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और इस संबंध में आप किसी तरह की मदद ढूंढ रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हाउएवर, पोर्टफोलियो फॉर्मेशन में और शेयर्स के थॉरली एनालिसिस में हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज डिस्कस करने और साथ ही ऑप्शन चेन एनालिसिस का काम हम जरूर करते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेसिस के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, और आप शुरू करते हैं आज का सेशन, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जो प्लेलिस्ट थी हमारी लर्न टू अर्न सीरीज की, जिसे आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, आप सभी ने सीखा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स लर्न टू अर्न सीरीज के, और उसी के बाद हमने शुरू किया है फंडामेंटल एनालिसिस का एक अगला पार्ट जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड। इसके अंदर हम आपको हर दिन एक ना एक नया टॉपिक सिखा रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस आपको कैसे करनी है। इसी सीरीज के अंतर्गत फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक है डिलीवरेबल वॉल्यूम्स क्या है या डिलीवरेबल वॉल्यूम्स असल में होता क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और इसका हमारे लिए एज ए रिटेल निवेशक के लिए आपके लिए क्या यूज है। एट ए ग्लांस हम देखेंगे कि आखिर डिलीवरेबल वॉल्यूम्स को हम किस तरह से अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इससे पहले आपने फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस वीडियो को समझना। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन वीडियोस को हमेशा वीडियो की सीरीज में ही देखिए, हर वीडियो पर एक नंबर पड़ा हुआ है, इसलिए इन वीडियोस को हमेशा इन सीरीज में ही देखिए। इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और पहले इसके पहले के सारे वीडियोस सीरीज देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये सेशन जो कि है डिलीवरेबल वॉल्यूम्स क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वॉल्यूम का मतलब है कि एक दिन में जितने शेयर्स ने हाथ बदले हैं मार्केट के अंदर, वो है वॉल्यूम। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताते हैं, एक दिन में जितने भी शेयर्स ने हाथ बदले हैं मार्केट के अंदर वो है वॉल्यूम। सपोज कीजिए ए ने बी को 100 शेयर्स बेचे एक दिन में, सो यानी 100 शेयर्स ने हाथ बदले, सो ये एक दिन का वॉल्यूम हुआ 100। अगेन सेम डे में बी ने ए को वापस वही 100 शेयर्स बेच दिए तो वॉल्यूम हो गया 200। बट इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूरे दिन में दो तरह के वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं। बहुत सारे लोग शेयर एकेडमी की तरह हैं जो कि शेयर्स को खरीदते हैं और लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। कुछ लोग हैं जो BTST, STBT या BTSTT करते रहते हैं, पूरे दिन खरीद बेच करते रहते हैं, हर दिन यही काम करते हैं और अपने आप को इंट्राडे ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडर कहते हैं। सो ऑप्शंस का पार्ट हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर का पार्ट कर रहे हैं। तो आखिर वॉल्यूम देखकर हमको ये कैसे पता चले कि किसी आदमी ने खरीद कर शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं लंबे समय के लिए, और कौन कौन है जो इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहा है। अगर हमको किसी तरह से ये पता चल जाए कि इसमें इस शेयर में पर्टिकुलर स्पेकुलेटर्स कितने हैं और अच्छे बायर्स कितने हैं, तो हमें मोटा मोटी ये अंदाज़ा लग जाता है कि अच्छे शेयर्स कौन कौन से हैं। क्यों? लंबे समय के लिए जो बाइंग है किसी भी शेयर के अंदर, उससे एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है कि किसी शेयर के अंदर अगर लोग खरीद कर उसे अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो इसका मतलब शेयर के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जहां से मिलती है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरेबल वॉल्यूम। डिलीवरेबल वॉल्यूम और डिलीवरेबल परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, मतलब जिस वॉल्यूम की डिलीवरी लेकर अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रख लिया गया है, वो पार्ट वॉल्यूम का डिलीवरेबल वॉल्यूम कहलाता है। अब सेम एग्जांपल, ए ने बी को 100 शेयर्स बेचे और बी ने जो 100 शेयर्स खरीदे उसमें से 40 शेयर अपने डीमैट में रख दिए और बाकी के 60 शेयर वापस बेच दिए सेम डे में ए को। तो इससे हुआ क्या कि एक दिन के अंदर 40 शेयर तो चले गए डीमैट में,
60 शेयर दोबारा से हाथ बदल लेते हैं, पूरे दिन का जो वॉल्यूम है वो हुआ 200 शेयर, 100 शेयर्स, 200 शेयर पूरे दिन का, माफ कीजिएगा, पूरे दिन का जो वॉल्यूम हुआ वो हुआ 160 शेयर, 160 शेयर्स का, बट 40 शेयर्स की डिलीवरी हो गई। सो ये पर्टिकुलर चीज है जिसे हम कहते हैं डिलीवरेबल वॉल्यूम। अब अगला क्वेश्चन है कि डिलीवरेबल वॉल्यूम आखिर आपको मिलता कहाँ है। सो हमेशा की तरह मनी कंट्रोल वेबसाइट खोलिए। मनी कंट्रोल वेबसाइट पर फ्रंट पेज जहां पर आप ऊपर का जो सर्च बार है यहां पर आप किसी भी शेयर का नाम डालेंगे, फॉर एग्जांपल 3M इंडिया, ठीक। 3M इंडिया का अगेन नीचे जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अंदर जब आप देखेंगे तो इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर, पी। इसके बाद अगला है डिलीवरेबल्स। ये डिलीवरेबल बेसिकली परसेंटेज टर्म्स में आपको ये दिखा रहा है कि आज के दिन 67% शेयर्स की डिलीवरी हुई है। नाउ इसमें दो इंफॉर्मेशन शामिल हैं, एक आज के दिन 67% डिलीवरेबल वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस शेयर को दो दिनों से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखा, चूंकि डिलीवरी मिलती है T+2 पर, तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ था उन्होंने भी आज मार्केट के अंदर ट्रेड किया है। तो बेसिकली डिलीवरेबल परसेंटेज किसी भी शेयर का ज्यादा या कम होना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि अगर किसी भी शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो ये उसके लिए अच्छा है, जी नहीं। डिलीवरेबल परसेंटेज अगर ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होगा या करंट लेवल उसको बाय करने का है, बट फिर भी डिलीवरेबल परसेंटेज ज्यादा होना किसी भी शेयर के लिए बिल्कुल बेसिक तौर पर यह माना जा सकता है कि एक अच्छी खबर है। बट हमेशा डिलीवरेबल परसेंटेज आपको देखना है तो उसे शेयर के करंट टेक्निकल ट्रेंड के आधार पर ही देखना चाहिए। बट लेमैन लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, जब आप बिल्कुल शुरुआती लेवल पर हैं और अभी सीख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई शेयर्स ऐसे ही परचेज करने चाहिए जिनके अंदर डिलीवरेबल वॉल्यूम्स अच्छे खासे हों। क्यों? जिन शेयर्स में डिलीवरेबल वॉल्यूम अच्छे नहीं होते ये माना जाता है कि उन शेयर्स में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी शेयर के अंदर स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे शेयरों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए जब तक कि आप इंट्राडे ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडर ना हो। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसी डिलीवरेबल वॉल्यूम को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अगर आपको एक महीने, दो महीने या साल भर का डिलीवरेबल वॉल्यूम देखना है तो आप कैसे देखेंगे? सेम इसी डिलीवरेबल वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए। यहां से ये साइट आपको 3M के एक डिटेल डिलीवरेबल वॉल्यूम के पार्ट पर लेकर आएगी। इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, येलो कलर के ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं ये बार बेसिकली डिलीवरेबल क्वांटिटीज दिखा रहा है। ये जो ऊपर स्लेटी कलर की बार्स हैं ये दिखा रहा है कि एक दिन के अंदर स्पेकुलेटिव पोजीशंस कितनी बन रही है, यानी लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी करी है। ओके, और प्राइस दिखा रहा है बीएससी पर ये ब्लू कलर की लाइन। सो यहां से आप 5 डेज का डिलीवरेबल वॉल्यूम देख सकते हैं और डिलीवरेबल वॉल्यूम हर दिन चेंज होता रहता है। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते इसके अंदर, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। यहां से आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के डिलीवरेबल वॉल्यूम्स देख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर जो फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर्स होते हैं इनके अंदर आम तौर पर डिलीवरेबल वॉल्यूम्स अच्छे ही होते हैं, इनमें लोग बाय करके डिलीवरी उठा कर रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं, इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी। कुछ शेयर्स हैं जिनको आपने सुना होगा, कहा जाता है ट्रेडर्स डिलाइट। ये शेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग बनती ही बनती है, ये वो शेयर्स हैं जिनकी रेगुलर डिस्कशन होता रहता है बिजनेस चैनल्स पर आप देखते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि डिलीवरेबल वॉल्यूम अगर अच्छा है शेयर के अंदर 50% से अबव है तो ये एक मोटा मोटी आपको एक्सपीरियंस देता है, एक राय देता है कि ऐसे शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बट किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आपको उसके डिलीवरेबल वॉल्यूम पर ध्यान देना ही चाहिए। सेकंड, MRF, ध्यान से देखिएगा, डिलीवरेबल वॉल्यूम अगेन 54% के करीब है और ये डिलीवरेबल वॉल्यूम चेंज होता रहता है। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, 3 दिनों पहले 39% था, 5 डेज का एवरेज 42% है, 8 डेज का 43% है और ओवरऑल 54% है। सेम केस है इन्फोसिस के साथ में, डिलीवरेबल वॉल्यूम 40% है, 8 डेज का 50% था, 3 डेज का 44%। और जैसे जैसे किसी भी शेयर के अंदर स्पेकुलेशंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर ट्रेडर्स एक्टिव होते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखते हैं कि शेयर के अंदर डिलीवरेबल परसेंटेज जो है वो कम होता जाता है।
इसीलिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो है किसी भी शेयर में चार्ट पर गिरावट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट हो रहा होगा, उस समय आपको फंडामेंटली स्ट्रांग चार्ट में डिलीवरेबल परसेंटेज जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ये एक और अच्छा संकेत होता है फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स के ब्रेकआउट होने का अच्छी गिरावट के बाद, या कंपनी में यू टर्न लेने का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत है जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और हमेशा कभी भी किसी शेयर में बाय करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो ये था डिटेल जो हमने आपको बताया। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर चीज़ है, क्या सेम ये चार्ट है और ये चार्ट है रिलायंस कम्युनिकेशन का। ज़रा एक चीज़ ध्यान से गौर कीजिए, रिलायंस कम्युनिकेशन में ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। ये ऊपर का जो स्लेटी बार दिख रहा है ये ज़्यादा बड़ा है नीचे का और ये पिंक माफ कीजिएगा येलो बार से। तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं बजाय इन्वेस्टर्स के, और ये वजह है कि आरकॉम जैसे शेयर से निवेश करने के लिए दूर रहना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी, ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये बेसिकली शेयर का रेट दर्शा रही है। ठीक, राइट साइड में शेयर का रेट है, ये 6.73 रुपये, 5.60 रुपये प्राइस है BSE पर। ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ेदार, जिस समय सुजलॉन में ट्रेडर्स हाईली एक्टिव थे, ये पार्ट दिख रहा है आपको जहाँ पर कि ये ट्रेडर्स का जो बार है ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बन रहे हैं, जब ट्रेडर्स हाईली एक्टिव थे उस समय सुजलॉन के रेट को ये लोग 3.32 रुपये से बढ़ाते हुए 6.73 रुपये तक ले गए, डबल। और उस समय सबसे ज़्यादा सुजलॉन के अंदर ट्रेडर्स एक्टिव थे, कोई पोजिशनल बाई नहीं हो रही थी, लोग ट्रेड करते हुए शेयर को वहां तक ले जा रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी कभी भी मार्केट के अंदर स्पेकुलेटिव पोजीशन बनेगी तो वो पोजीशन कभी भी लंबे समय के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगी। और अगेन देखिए, ट्रेडर्स ले तो गए इसे बहुत ऊपर तक, बट उसके बाद वहां से सीधा नीचे लेकर आए और सेम उन्हीं लेवल्स के पास में जहां पर कि 3.32 रुपये से शेयर का रेट शुरू किया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए करने वाली, क्या यस बैंक के करंट मूव्स देखिए आप, 95 रुपये से शेयर बढ़ता है और अचानक 110 रुपये हो जाता है। ज़रा कुछ दिन बीतने दीजिए, 5 और 6 दिन, और उसके बाद जब आप इसका डिलीवरेबल वॉल्यूम्स एनालाइज करेंगे एक महीने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि आज के दिन के जो मूव्स हैं यस बैंक DHFL जैसे शेयरों के जो मूव्स हैं, इस समय बजाय डिलीवरेबल वॉल्यूम बढ़े होने के, इनके जो स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स हैं या जो इंट्राडे के वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ट्रेडिंग क्वालिटी ज़्यादा है क्वान्टिटी, और डिलीवरेबल क्वान्टिटी कम है। ये वो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स जो आपको बचाती है मार्केट के अंदर निवेश करने वाले शेयर और ट्रेड करने वाले शेयर से का बाइफर्केशन करके। तब आपको ये पता चलता है कि कौन से शेयर्स हैं जो निवेश करने लायक हैं और कौन से शेयर्स हैं जिनके अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए, या अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो आप इन शेयरों से दूर रह सकते हैं। ये है बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिखने में जितनी छोटी है, जितनी बिना काम की लगती है, असल में ग्राउंड पर यह इन्फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा अवेलेबल है। सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो आज का ये सेशन है, इस सेशन से आपने थोड़ी बहुत सीख हासिल की होगी, और भविष्य में इसी स्टेप के ऊपर चलते हुए आप धीरे धीरे अपने शेयर्स को एनालाइज करेंगे। पहला स्टेप है मार्केट कैप देखिए, सेकंड अर्निंग पर शेयर देखिए, थर्ड है उसके बाद पी देखिए कंपनी का कैसा है, और उसके बाद देखिए डिलीवरेबल वॉल्यूम्स कैसे हैं, और डिलीवरेबल वॉल्यूम्स को थोड़ा सा एक बार एनालाइज कर लीजिए कि करेंटली चार्ट के आधार पर डिलीवरेबल वॉल्यूम्स कैसे हैं शेयर के। ओके, इतना करने के बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन था, और इस सेशन में हमने सीखा कि बेसिकली डिलीवरेबल वॉल्यूम क्या है और डिलीवरेबल वॉल्यूम कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी शेयर की फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करते समय। सो आज के इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा है इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ ऐसे शेयर्स ढूंढ कर हमें बताइए जिनके डिलीवरेबल वॉल्यूम 30% से भी कम हैं। एक शेयर सिर्फ ढूंढिए जिसका डिलीवरेबल वॉल्यूम 30% से कम है, और हम आपको बताते हैं ये कौन से शेयर्स हैं। ये वो शेयर्स होंगे जो ट्रेडर्स डिलाइट हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा होता है, BSE NSE और बिजनेस चैनल्स पर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होते हैं, यही वो शेयर्स हैं जिनके अंदर डिलीवरेबल वॉल्यूम सबसे कम होता है। कम से कम एक कमेंट्स ज़रूर लिखिए, खास करके वो लोग जो लर्न टू अर्न सीरीज से हमारी जुड़े हुए हैं और लगातार
सीख रहे हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये वीडियो है आपको कुछ ना कुछ इसने ज़रूर सिखाया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप अगर जाएं तो हमारी हेल्प कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर मैसेज करके, और साथ ही साथ आप में से वो लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से, फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो 24/7 सॉल्व की जाती हैं वहाँ पर। लाइव सेशन से जुड़ने में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, साथ ही साथ लगातार देखते रहिए इन वीडियोस को। अगर इसके बारे में आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो क्वेरीज अपनी डालते रहिए आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, आपकी क्वेरीज हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले सेशन में, जो कि होगा फंडामेंटल एनालिसिस का ही अगला वीडियो और हमारी इस सीरीज का 7th वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।